Hello, welcome to Magnet Brains. This is Bani Ren, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer for Grade 9th. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में है अगेन फ्रॉम द लास्ट वीडियो, जिसमें हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा में जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, 5 क्वेश्चन जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थे, आज हम उनके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं. आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और सही अटेम्प्ट किए होंगे. सो लेट्स बिगिन विद द आंसर्स. Fine. The word flora is derived from which language? ये हमने सबसे पहले, अगर आप वीडियो याद करेंगे तो हमने सबसे पहला जो टॉपिक था वो यही डिस्कस किया था कि हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की. और फ्लोरा एंड फौना जो कि बहुत कॉमन टर्म्स हैं, जो कि आपने बहुत सुने होंगे स्कूल में भी, अदरवाइज भी, शायद इन्वायरमेंटल उसमें भी सुने होंगे, कंसर्न्स में भी सुने होंगे. पर ये वर्ड अपने आप में डिराइव कहाँ से होता है? फ्लोरा का मतलब क्या होता है? हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसका मतलब होता है फ्लोरल, विच इज़ पर्टेनिंग टू फ्लावर. और ये वर्ड डिराइव होता है किस लैंग्वेज में से? लैटिन लैंग्वेज में से. सो आंसर इज सी, लैटिन. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केम इन फोर्स इन द ईयर. हमने अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात की थी कि हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो इनैक्ट किया गया था, वो लाया गया था, लॉ इन्फोर्स किया गया था. कौन से ईयर में? उसकी तारीख आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, दैट वाज 25 अक्टूबर एंड द ईयर वाज 1980. और इस जो लॉ का जो मेन पर्पस था वो क्या था? कंजर्वेशन करना फॉरेस्ट्स का, बेसिकली जो डिफॉरेस्टेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कर्ब करना, इसका मेन पर्पस था. और इसके लिए बड़े पनिशेबल ऑफेंसेस बनाए गए थे जो कि आज भी इनएक्टेड हैं. और इसमें आज भी जो लोगों को लीगली या लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ इसको आज भी बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हैं. बट ऑफकोर्स हमें इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें कुछ ऐसे लॉज अपनी कंट्री में चाहिए जो कि एक्सक्लूसिवली फ्लोरा पे कॉन्सेंट्रेटेड हों. Roosevelt called what as the lungs of a land? Franklin D Roosevelt की हमने बात की थी, जो कि 32nd प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. और उन्होंने एक परिभाषा दी थी, जिन्होंने कहा था कि जो कंट्री अपनी सॉइल को नष्ट करती है वो अपने आप को भी धीरे धीरे नष्ट कर देती है. और उन्होंने एक चीज़ को, इन तीन चारों में से किसी एक चीज़ को लंग्स ऑफ अर्थ कहा था. वेरी ईजी वन, नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस. वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, बायो रिजर्व्स भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट भी हो सकते हैं. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, फॉरेस्ट. उन्होंने फॉरेस्ट को कहा था कि ये लैंड के लंग्स होते हैं, अगर ये ना हो तो हमारा सर्वाइवल जो है कंट्री में, जो वर्ल्ड में, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा. अब फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्लासिफाइड फॉरेस्ट इन हाउ मेनी कैटेगरीज? जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ही हमने बात की अभी थर्ड क्वेश्चन में, जो कि 1980 में इनैक्ट हुआ था, 25 अक्टूबर 1980 को, उसने कितनी कैटेगरी में फॉरेस्ट को डिवाइड किया? 3 कैटेगरीज में. सो द आंसर इज 3. ओके. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द रेड लिस्ट, हाउ मेनी प्लांट्स हैव बीन लिस्टेड अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज? हमने रेड लिस्ट की बात की थी, राइट? हमने लास्ट टाइम जब हमने पर्टिकुलर सिलेबस को डिस्कस किया था, पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया था, हमने एक रेड लिस्ट की बात की थी जिसमें एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड या क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो हैं वो इनलिस्ट की जाती हैं. और उसमें वेस्टर्न घाट की स्पेशली जब हमने बात की थी तो कितनी स्पीशीज़ की हमने बात की थी जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में थी? द नंबर वॉज 77. ओके. सो आई होप आपने ये जो क्वेश्चंस थे जो हमने अटेम्प्ट किए थे, जो हमने जिनके आंसर्स डिस्कस किए, या आपने किए होंगे पहले से और आपने इनके आंसर्स सही दिए होंगे. इन केस अगर कहीं किसी चीज़ में ऊपर नीचे था, गड़बड़ थी, उतने सही आंसर्स नहीं थे, तो अब आपको उनके सही आंसर्स पता हैं. गो बैक टू द स्लाइड्स, स्टडी द मटेरियल एंड अगेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से ये आंसर्स डिराइव किए. ओके. एट मैग्नेट ब्रेन्स, एज यू नो, वी आर द 100% फ्री चैनल. वी आर ऑलवेज देयर to reach out and we are always there to help you with all the concepts that you need to understand for this particular examination. So always feel free to reach out to us and we will keep on discussing the subject matters one by one jaise jaise iski zarurat hogi. Now take care of yourself. Signing off now. Thank you very much.